हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी रात को भी आज दुकान में भीड़ लगी हुई है पतंगों की। क्यों पता ही होगा क्यों लगी है, क्योंकि कल बहुत बड़ा त्यौहार है पतंगबाजों का, वो है नाग पंचमी। ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, रात के 9:15 बज रहे हैं और भीड़ देखिए कितनी लगी है अभी भी। ये देखिए कानपुर का इस्मानपुर है जहाँ पतंगें मिलती हैं थोक रेट में भी, और ऐसे फुटकर में मिलती है पतंगे वहाँ पे। और यहाँ पे हम भी आए कुछ पतंगे लेने, तिरंगा पतंगे, वो भी आपको दिखाएंगे बाद में। पहले आप कुछ दिखाते हैं दुकानें। देखिए तिरंगा पतंगे कुछ खरीदी थी हमने यहाँ से, ये तिरंगा पतंगे अद्दी में, और इसके पौने में था लेकिन वो पौने ख़त्म हो गए इसलिए अद्दी लिया तिरंगा में। देखिए ये दुकान है, ये देखिए एक दुकान, यहाँ पे टोटल 3 या 4 दुकान लाइन से हैं, जिसमें पहली दुकान ये है सामने, उसके बगल में दुकान, उसके बगल में दुकान, लगा लाइन से 4 दुकान लगी हुई। देखिए लास्ट इस तक एक दुकान लगी हुई है, लास्ट में तिरंगा टंगा हुआ है। ये देखिए सारी पतंगे लाइन से लगी हुई है दुकानें। चलिए दोस्तों घर चलिए, कुछ पतंगे दिखाते हैं जो यहाँ से ख़रीदी है हमने आज छत से उड़ाने के लिए। इसमें से पहली पतंग ये डिजाइन की है तिरंगा पतंग, अपने देश की जान शान तिरंगा। ये तिरंगा अच्छी लगी इसलिए साई में तिरंगा ही ले ली। सारे जितनी डिजाइन है सब तिरंगे में डिजाइन है, देखिए सारे चौके तिरंगे वाले हैं। और पतंगे भी बहुत काफ़ी अच्छी पतंगे हैं रुपए के हिसाब से। ये देखिए ठड्डा कमाने सब अच्छा लगा हुआ हर पतंग में, और ये भी सेम डिजाइन है, उसमें नीचे एक दूसरी डिजाइन है वो दिखाते हैं आपको। ये भी सेम है और ये दूसरी डिजाइन है, इसमें तोकदार है तिरंगा और ये इसमें दिल बना हुआ है तिरंगे, और उसके नीचे भी गोल तिरंगा लगा हुआ है। ये सारी पतंगें काफ़ी अच्छी हैं। चलिए आपको एक पतंग की क्वालिटी दिखाते हैं, जिसमें पहली पतंग है इसका कमाई देखिए तो अच्छा लगा हुआ है, और आपको ठड्डा दिखाते हैं, ठड्डा भी काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, लोचदार जोड़ों में काफ़ी अच्छी उड़ेगी। चलिए दोस्तों यही थी आज की खरीदारी नाग पंचमी के लिए, और आप सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। अगर हो सका तो कल भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे छत की पतंगबाजी की। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी नाग पंचमी।